और लुक देखो भाई इस बस का, इलेक्ट्रिक ऑटो का भी कल ही मतलब शुभारंभ हुआ है। देख लो यहाँ पर फूल मालाएं अभी लगी हुई हैं। ये होगी चार्जिंग। अब चार्ज है ना, बड़ी बड़ी ऐसा नहीं है, बस स्टैंड बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है। ससुराल हुआ मतलब राम जी के ससुराल से आए हो आप, और आपको स्टे करना है बस स्टैंड पे। 108 फीट जो अगरबत्ती आई हुई है। हाँ जी, किवें हो जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ अयोध्या में, तो एक बार हो जाए भाई जय श्री राम। और अयोध्या में अभी मैं हूँ, देख लो ये है नया बस स्टैंड अयोध्या का, कल ही इसका उद्घाटन हुआ है, तो सोचा क्यों ना एक बार आपको अच्छे से दिखाया जाए इस वीडियो में। और साथ ही साथ 50 इलेक्ट्रिक बस और 25 ग्रीन ऑटो का भी उद्घाटन हुआ है। चलते हैं अंदर और आपको अच्छे से दिखाते हैं। और सुनने में जो वडोदरा से अगरबत्ती आई थी 108 फीट की, वो भी यहीं पर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। तो अंदर आ चुके और यहाँ पर देख लो, जैसे हम अंदर आए यहाँ पर 108 फीट जो अगरबत्ती आई है वो यहीं पर है। एक बार आइए, आपको दर्शन करवाते हैं सबको। भाई बहुत भाग्यशाली हैं हम, तो यहाँ पर ये देख लो ये अगरबत्ती है। एक बार जल्दी से दर्शन करके आते हैं हम भी। जय हो। तो भाई मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं रास्ते में ट्रैक भी किया था भी कहाँ से आ रही है ये, बट वडोदरा से आई है 108 फीट की अगरबत्ती, तो दर्शन करने को मिले, बहुत अच्छा लगा। और बस स्टैंड के बिल्कुल गेट के पास भी है यहाँ पर। अब शूज़ डालते हैं फटाफट से और आपको बस स्टैंड दिखाते हैं। तो ये है पूरी अगरबत्ती 108 फीट की, ठीक है जी। और यही वो ट्रक था जिसमें अगरबत्ती आई है। भाई कितने टाइम से इस ट्रक को देखने का इच्छा थी, फाइनली आज देखने को मिला। तो मैं बस दिखा रहा था ना, कुछ बसेस यहाँ से चलेंगी, ये देख लो ये है, एयरपोर्ट से भी चलेंगी। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो देख लो आपको जन्मभूमि तक के लिए ये इलेक्ट्रिक बस की सेवा भी मिल जाएगी। बहुत खूब यार, मज़ा आ गया ये चीज़ देखकर तो। और लुक देखो भाई इस बस का, अब अंदर ओपन है तो एक बार अंदर भी आपको दिखा देते हैं। बस एक तरीके की बनाई हुई बस है ना, आराम से अपना यहाँ पर बैठ सकते हैं। और अगर आप एयरपोर्ट से मतलब राम मंदिर जाएंगे इन फ्यूचर, तो बहुत चीपेस्ट वे में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और सीट्स आपको पता ही, ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस भी नहीं है। एयरपोर्ट है जो फैज़ाबाद में, लगभग 10 से 12 किलोमीटर रहने वाला है, 8 से 10 किलोमीटर। तो उसका किराया था वैसे मुझे अभी नहीं पता, बट इन फ्यूचर जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। यार बहुत सही लगा भाई, आपको कैसा लगा? है ना, ये देखो लाइट्स लगी हुई हैं, सीसीटीवी कैमरा उस साइड पे, और ये इलेक्ट्रिक बस है पूरी, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप, ये ड्राइवर की सीट हो गई है, ये पूरी इलेक्ट्रिक बस हो गई है। और देख लो भाई कल ही उद्घाटन हुआ है तो फूल माले अभी लगी हैं। राम आएंगे भाई हर जगह भजन, इतनी पॉजिटिव वाइब्स है ना, मज़ा आ जाता है। चलिए चलते हैं बाहर और आपको एक बार बस स्टैंड भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख लो, मैं जा रहा था तो यहाँ पर मुझे ऑटो भी देखने को मिले। जैसे मैंने आपको बताया 25 इलेक्ट्रिक ऑटो का भी कल ही मतलब शुभारंभ हुआ है। और ये है शायद उबर सर्विस भी आने वाली है, जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा है ना उबर, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। इन फ्यूचर आई ओला उबर आएगा तो और क्या चाहिए। ये इलेक्ट्रिक देख लो, आपको अच्छे दिखाए थे, वाइट कलर में भी है और पिंक में। अब इसका क्या मोटिव है ये तो नहीं पता, लेकिन ये ग्रीन ऑटो के तहत ही लॉन्च किया गया है। मे भी हो सकता है ये दिस इज़ फॉर लेडीज़ ड्राइव करें। और ये हो गया अपना वाइट वाला। तो आइए एक बार यहाँ पर देखो, कुछ अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, पंडाल बनाया गया है, और मैं देख लेता हूँ किस चीज़ का है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ शायद इन फ्यूचर यहाँ पर भी काफ़ी प्रोग्राम होंगे। और कल भी यहाँ पर जो आपको बताया था उद्घाटन हुआ था, तो यहीं पर ये सारा फंक्शन था। अब आपको दूसरी बस दिखाता हूँ, एक तो मैंने आपको दिखाई दी है, एक ऑरेंज वाली बसेस काफ़ी हैं सामने खड़ी हैं, उसका इंटीरियर अलग है। और अगर मेरे को रूट्स पता लगेंगे ना भी, कौन कौन से रूट्स हैं, कहाँ पर ये बसेस चलने वाली, कुछ रूट पे, वो भी सारी डिटेल मैं आपको दिखा दूंगा। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, बस स्टैंड पे स्पेशली ये टेंट सिटी टाइप बनाई जा रही है, जो बाहर से लोग आएंगे अगर उनको स्टे करना है यहाँ पर तो वो कर सकते हैं। एक बार आपको अंदर से दिखा देते हैं, यहाँ पर एक बार जिप ओपन करते हैं। ओके, तो देख लो यहाँ पर आपको एक बार 1x में दिखा देते हैं। तो ये देख लो, इधर आपको मिल जाएंगे अलग अलग बेड, डॉर्मेट्री टाइप है, मतलब अगर आप ट्रैवल करेंगे ना तो स्टे करने के लिए काफ़ी। इनमें आपको पता है धीरे धीरे सारी इंप्रूवमेंट हो रही है, लाइट लगाई गई है। आपको एसी वाला भी मैं दिखाता हूँ, आइए इधर आपको एसी वाला भी मिल जाएगा। और अगर इसका प्राइस मुझे पता लगेगा तो मैं आपको वो भी बता दूँगा, शायद दिस वन इज़ एसी। आइए आपको अच्छे से दिखाते हैं भाई, कैसा लग रहा है टूर बताया तो करो। ओके वाह यार बहुत सुंदर भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ। देखो ये पूरा बेड हो गया है यहाँ पर, और ये चेयर लगाई हुई है, कितना सही बनाया हो ना अरेंजमेंट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको स्टे करना है बस स्टैंड पे ही, लेकिन इसका प्राइस मुझे पता नहीं। और हाँ काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार 22 तारीख को मतलब आए या ना, भाई बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं आ रहा, मैं आज के लिए आया और मैं चला जाऊँ। तो यहाँ पर आपको एक बार मैंने जो टेंट टाइप बने हुए हैं वो तो मैंने आपको दिखा दी, और यहाँ पर ना
जलपान की भी सुविधा बनी हुई है। देखो ये सारे रेस्टोरेंट बनाए हैं, एक मतलब अगर आप आ रहे, भोजन की व्यवस्था रखी गई है। चलिए आपको वो बसेस दिखाते हैं जो कल ही इनॉग्रेशन हुई है, ये ऑरेंज वाली। तो ये बस है और रूट काफ़ी अलग अलग होने वाले हैं। जितने भी आपको मैं बता दूं अयोध्या में आने वाले टाइम में जो प्लेसेस होंगी दर्शन करने के लिए और देखने के लिए, तो उनके लिए बेसिकली सारे जो मेन अट्रैक्शन है ना उनको कवर करेगी। तो ये सादतगंज से अयोध्या धाम के लिए हैं, कुछ एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए हैं, अलग अलग जगह से हैं। तो आइए इसका भी इंटीरियर दिखा देते हैं आपको। तो देखो भाई ये है इस बस का इंटीरियर, काफ़ी सुंदर लगा है भी। तो इसमें 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन है बैठने के लिए, वो अलग थी, डिफरेंट थी, ये डिफरेंट है। लेकिन सारी बसेज मैं आपको बता दूँ इलेक्ट्रिक ही होने वाली हैं और फेयर भी इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि लोकल जितने भी प्लेसेज हैं ना सबको ये कवर करेगा। चलिए साथ ही साथ आपको यहाँ पर देख लो USB की जो चार्जिंग पॉइंट है ना ये भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ये बढ़िया लगा मुझे। आपको पता है ट्रैवलिंग में क्या होता है, कभी कभी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है ना, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए बाहर चलते हैं, अगर आपको यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी दिखा देते, कहाँ से कहाँ कहाँ चल चला करेंगे? सादतगंज से कटरा, और कौन कौन से रूट रहेंगे? अलग अलग रूट, मतलब जितने भी अयोध्या के मेन मेन चीजें हैं सब कवर करेंगी बसेज। चलिए रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है। अच्छा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सारा। तो ये देखो सारी इलेक्ट्रिक बसेज हैं, अब ये ड्राइव मोड पे आ गई हैं। चलिए आइए आपको मैं एक बार यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिखा देता हूँ जहाँ पर बसेज चार्ज हो रही हैं, और रूट मैं सारे आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी देखते हैं कोई ऑफिशियल होंगे तो उनसे बात करते हैं और ट्राई करेंगे, फेयर भी आपको मैं बता दें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, बिल्कुल भी स्किप मत करना आप। मतलब कभी कभी होते हैं ना लोग स्किप कर देते हैं, आई नो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो देख लो ये चार्जिंग पॉइंट बने हुए हैं, ये देख लो यहाँ पर सारी बसेज देख लो यहाँ पर फुल वाले अभी लगी हुई हैं। ये होगी चार्जिंग, अब चार्जिंग पॉइंट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक। आपको पता है ऑटो से लेकर बसेज सब कुछ इलेक्ट्रिक रखा गया है। यहाँ से ये चार्जिंग पॉइंट है ये बने हुए स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन बस स्टैंड पर, और यहाँ पर ये बसेज चार्ज लगाई जा रही है एक एक करके। तो काफ़ी बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4 लाइन में है, पूरे लाइन में आपको ये चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैंने तो आपको दिखा दिया, अपने भाई लोग आए हैं, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पर आपको कैसा लग रहा भाई बस स्टैंड? शर्मा रहे हो यार, शर्माओ ना, कोई बात नहीं। तो भाई ये जो बस स्टैंड जो बना हुआ है अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त हो गया है। यानी अयोध्या के जो लोग हैं मतलब यहाँ के कोने कोने में जा सकते हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटी मिल चुका है। और आपका क्या कहना है इस पे? अयोध्या वालों के लिए काफ़ी खुशी की बात है जो कि ये बस चली है, अयोध्या वाले लोगों को काफ़ी मतलब इजी हो जाएगा है ना ट्रैवल करने के लिए। जा ही रहा था तो मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी, देख लो अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो यहाँ पर मेडिसिंस का भी मतलब ध्यान रखा गया है। तो एक बार आपको मैं बस स्टैंड भी अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर देख लो ये मेडिकल एक सेंटर बनाया गया है, इन फ्यूचर अगर आप कुछ आपको मेडिसिंस चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सर ये कब से इनिशिएटिव रखा गया, मतलब ये यहाँ पर ये सेटअप बनाया जो आपने? अच्छा आज ही से, बहुत अच्छा लगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जो कॉमन मेडिसिन होती हैं वो यहाँ पर हैं। तो आगे आइए एक बार आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको पता ही है आप पानी पी के बोटल्स इधर उधर फेंक देते हैं, तो आपको बोतल इधर उधर नहीं फेंकनी, यहाँ पर इंसर्ट करें जो एम्प्टी बोटल्स हैं और बाहर ना फेंकें यार, बहुत अच्छा लगा। अगर आप गवर्नमेंट कुछ चीज़ें दे रही है ना तो हमें भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर अपनी एम्प्टी बोतल डालो और यहाँ पर सेफली बोतल चली जाएंगी। चलो ये पूरा बस स्टैंड रहने वाला है, मतलब यहाँ पर सारी बसेज लगा करेंगी। अभी तो आपको पता है कल ही उद्घाटन हुआ है तो पूरी तैयारियाँ भी चल रही है अलग अलग जगह पे। आपको अयोध्या में काफ़ी मतलब भव्य पंडाल कह सकते हैं और अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, देखता हूँ अगर कोई मेरे को ऑफिशियल मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो वो बंद है। अगर कोई होगा तो बता दूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, जैसी डिटेल मिलेगी मैं इंस्टाग्राम पे अयोध्या से रिलेटेड पूरी अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है जर्नी स्वी देख के कर लो फॉलो, पूरी डिटेल मैं आपको इंस्टाग्राम पे देता रहूंगा। तो बस स्टैंड घूम के आ गया हूँ तो ऐसा नहीं है, बस स्टैंड बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है बिल्कुल पीछे से लेकर यहाँ तक। और ये देखो भाई ये उत्तराखंड की भी बस खड़ी है जो ऋषिकेश से अयोध्या धाम के लिए, क्या बात है। तो यहाँ पर ये आपको बस में मिल जाएगी, उसका टाइमिंग भी यहाँ पर लिखा है, हरिद्वार से रात में 8:30 और शायद ऋषिकेश से 7 का टाइम है इसका। तो ये वाया है बरेली, शाहजहाँपुर और लखनऊ, तो ये बस यहाँ पर खड़ी है। तो ओवरऑल यही था भाई पूरा बस स्टैंड का टूर, ठीक है। आपको सामने देख लो इधर ही 5 और 6 के पास ये इंक्वायरी पूछताछ के लिए भी बनाया हुआ है, अगर आप ट्रैवल करेंगे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए 5 और 6 के बीच में यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ फीमेल का ये वॉशरूम्स भी बने हुए हैं, ठीक है। डे बाई डे आपको पता है अभी तो उद्घाटन हुआ है, डे बाई डे और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर होने वाली है। की लोकेशन बता देता हूँ मैं आपको, ये हाईवे है ठीक है जो गोरखपुर डायरेक्ट जा रहा है लखनऊ वाला, और यहाँ पर ठीक तुम निकल जाओ भाई, यहाँ पर ठीक देख लो ये है बस स्टैंड अयोध्या, यही वाला मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ।
चलो जी, थैंक यू यार। मैं तो आपको बस स्टैंड दिखाने गया था और मुझे बस में मिल गया, बस में सफर भी कर लेते हैं और कितना इसका किराया वो भी जान लेते हैं। भाई कैसा लगा, बस स्टैंड ही आए थे और बस में भाई सफर भी कर रहे हैं। हम तो हाईवे पे खड़े थे ऐसे ही ऑटो की वेट कर रहे थे, हमें बस मिल गई यहाँ पर। काफी अच्छा बस है, चारों तरफ आपको है ना बड़ी बड़ी मिरर है ना। इसका किराया ही नहीं, अभी तक कोई ले ही नहीं रहा हमारे से, पूछ रहे थे भाई। ₹10 से शुरुआत है और एंड तक कहाँ तक जाती है बस ये? अच्छा क्या किराया एंड टू एंड? ₹50 रहेगा। तो कितने रूट पे अभी बसें चली हैं? ये चली है अभी पांच रूट पे। कुछ आइडिया आपको रूट का? नहीं, ये वाले पॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ हम उतरेंगे? नया घाट। तो भाई हम नया घाट पे उतर रहे हैं, ₹10 सिर्फ किराया है। बहुत सही यार, ₹10 में आपको और क्या चाहिए। कितने किलोमीटर तक चल जाता है, एनी आइडिया? एक बार चार्ज करने में 150 किलोमीटर। अच्छा, एक बार चार्ज करने में 150 किलोमीटर चल जाता है। समथिंग टाइम इसमें 45 से 50 मिनट लगता है पूरा चार्ज होने में। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी चलते हैं। नया घाट वाला फ्लाईओवर उतर गए हम और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, हमारे को एक बहुत सुंदर यज्ञ देखने को मिल रहा है, वो आपको दिखाते हैं। तो अभी आ चुके हैं, देख लो जैसे हम बस से उतरे हैं यहाँ पर बालू घाट पे आ गए हैं। और ये सुनने में आया मुझे, नेपाली बाबा जी हैं, उनका यहाँ पर यज्ञ और 108 हवन कुंड भी बनाए हैं वहाँ पर। तो आइए आपको अंदर अच्छे से दिखाते हैं। भाई अयोध्या में ट्रस्ट मी इतनी चीज़ें चल रही हैं ना, मैं आपको 10 वीडियो भी बना दूँ ना, वो भी कम है 10 वीडियो भी, बट मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। आप भी आओगे, आपको भी तो देखने को मिले ना, सारा कुछ वीडियो में दिखा देंगे फिर क्या फ़ायदा। ये वीडियो को यहाँ पर एक बार अच्छे से दिखाते हैं, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना जिसमें हम अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड सारा कवर करेंगे, कितना काम हो चुका है और मतलब जितना भी कार्यक्रम चल रहा है अंदर अयोध्या में वो बेसिकली कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देख लो कितने लोग आए हैं सिर्फ इस यज्ञ को देखने के लिए, तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं देखो। वाह यार क्या बात है भाई, आए हैं अपने कहाँ से हैं आप, आ जाओ। हाँ जी, नेपाल से आए हैं? अरे क्या बात है, कहाँ से? नेपाल से कहाँ पे? सखरा से। अच्छा अच्छा, स्पेशली। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है कुछ पता है? बता सकते? पता है, पता है। बताइए। यहाँ पर जग हो रहा है। अच्छा यज्ञ हो रहा है, तो किनका यज्ञ हो रहा है? ये राम लला का यज्ञ कर रहे हैं। 108 हवन कुंड बनाए गए यहाँ पर। क्या बात है, नेपाल से। और यहाँ पर कब तक रुकने वाले हैं? 22 तारीख के बाद तक जाएंगे। अच्छा 22, मतलब पूरा अच्छे से देख कर जाएंगे आप? क्या मतलब दिवाली बना कर जाएंगे? कैसा लग रहा है आपको भी 22 तारीख? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। ये एक फीलिंग्स है, लोगों की फीलिंग्स होती है जो नेपाल से लोग आए हैं स्पेशली, मतलब हमारी दिवाली बनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ से आई गेस ये मेन एंट्री बनाई हुई है और आपको एक बार अंदर से अच्छे से दिखा देते हैं। लेकिन हर जगह भाई सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत अच्छे किए गए हैं और सेफ्टी पर्पस से काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। आने से पहले देख लो आपको यहाँ पर ये एक बोर्ड मिला था जिसपे सब कुछ लिखा हुआ है, देख लो आप एक बार वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर, जो आपको मैंने बता ही रहा था बाहर की, नेपाली बाबा जी के द्वारा ही किया जा रहा है 14 से 25 तारीख तक और 21,000 नाम जप किए जाएंगे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम। तो यहाँ पर ये देख लो पूरे बनाए हुए जैसे मैं आपको दिखा रहा था, 3-4 हर एक में बनाएंगे और 1,008 बने हुए हैं यहाँ पर। क्या बात है, और कल ही शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे। कहाँ से आप लोग? सब लोग नेपाल से आए हुए हैं। यार बहुत लोग आए हुए नेपाल से यार, आ जाओ आप भी, आ जाओ आगे। तो कैसा लग रहा है आपको 22 तारीख का इंतजार? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत आनंद लग रहा है। शिवलिंग, अच्छा मड़वा, मड़वा बने हैं, मड़वा बने हुए, इसमें राम जानकी का जैसे शादी विवाह होता है वैसे इसमें मंत्र पढ़ेगा। अच्छा, क्या होगा? अच्छा पूरा, और एक में 3 से 4 लोग बैठेंगे जैसे आप बता रहे हो, पंडित होगा। अच्छा, बाकी सब लोग होंगे और शिवलिंग भी रखे जाएंगे हर एक में? कल रखे जाएंगे शिवलिंग? अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और देख लो इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ये होती आस्था। और मैं इस जनकपुर से आए हो? क्या बात है, मतलब आप? हम लोग मिथिला के रहने वाले हैं। अच्छा मिथिला के रहने वाले हो, क्या बात है, ससुराल हुआ, मतलब राम जी के ससुराल से आए हो आप? क्या बात है, ससुराल से आए हैं, पूरे जोरों शोर से तैयारी है। तो कितने दिन रुकने वाले हो? 25 तारीख तक। अच्छा 25 तारीख तक यही हो? 15 दिन रुकेंगे। 15 दिन, क्या बात है, मतलब पूरा है ससुराल से आए पूरे जोश शोर से। चलो जय सिया राम, जय जय श्री राम। तो बहुत अच्छा लगा यार, मतलब दिन बन गया यार मेरा सा, इतनी दूर से आया हूँ और ना थकावट जो होती है ना, सब थकावट खत्म हो जाती है इन सब से मिलकर और ऐसी चीजें देखकर।
कितनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, आपको कैसे लगा बताना कमेंट सेक्शन में, जय श्री राम जरूर लिखना। तो चलिए ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखना जिसमें हम अयोध्या के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको दिखाएंगे, बेसिकली राम मंदिर से रिलेटेड चीज़ें कवर करेंगे, कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और जो चीज़ें नहीं बन रही हैं अयोध्या में वो कवर अप करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और एक बार हो जाए जय जय श्री राम।